subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिजीत और मेरा चैनल है पॉलिटेक्निक गुरु। ठीक है, आज हम लोग जो चैप्टर देखने वाले हैं उसका नाम मैट्रिसेस है। मैट्रिक्स के अंदर हम लोग देखेंगे कि क्या क्या करके कैसे कैसे उसको सॉल्व करते हैं। मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स के बारे में हम लोग जानेंगे। तो अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि मैट्रिक्स के अंदर इसका इंट्रोडक्शन, पहला हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर इसका हम लोग ब्रैकेट्स के बारे में चर्चा करेंगे, फिर देन हम लोग इसका ऑर्डर के बारे में जानेंगे। सबसे पहला हमारा इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में नंबर का एक ऐसा अरेंजमेंट जो ब्रैकेट्स के अंदर हो, अरेंजमेंट ऑफ नंबर विद इन ब्रैकेट्स, मतलब एक नंबर का ऐसे अरेंजमेंट जो हम इस ब्रैकेट के अंदर लिखे हैं और इसका कुछ ऑर्डर हो। ठीक है, ऑर्डर करने का सेंस हुआ कि हमारा इसमें नंबर ऑफ रो कितना है और नंबर ऑफ कॉलम कितना है। तो रो हमारा हम लोग का होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, कॉलम को वर्टिकल लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा रो, जैसे यहाँ पे कोई एलिमेंट लेते हैं 1 2 3 4 5 6, अब इसके अंदर देखेंगे हम लोग कितना रो है और कितना कॉलम है इसके अंदर। तो हम लोग देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन 1 2, तो हमारा जो एम है वो कितना होगा यहाँ पे 2, और हम लोग इसका देखेंगे वर्टिकल लाइन कितना 1 2 3, 3 वर्टिकल लाइन है। इसका मतलब हुआ कि हम लोग का जो कॉलम है जिसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं वो 3 हुआ, 3। तो इसी ऑर्डर को हम लोग लिखते हैं, जैसे यहाँ किसी मैट्रिक्स के ब्रैकेट के जस्ट उसके कॉर्नर में कि उसका ऑर्डर कितना है, तो 2 by 3, इसको मल्टीप्लिकेशन नहीं बोलते, इसको बाई बोलते हैं, 2 by 3 या 2:3 भी इसको हम लोग बोलते हैं। तो अब हम लोग इसके ऊपर एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा एक मैट्रिक्स जो हम लोग के पास गिवन है। अब इसका कितना ऑर्डर है हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, फाइंड ऑर्डर, ऑर्डर कितना है ये जानेंगे। तो ऑर्डर जानने के लिए हम क्या बताते हैं, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम की संख्या काउंट करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल है नंबर ऑफ रो मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब ये रहा हमारा 1 2 3, कितने हॉरिजॉन्टल लाइन में कोई एक सीरियल में नंबर लिखा हुआ। ठीक है, वो देखेंगे हम लोग कितने है? 1 2 3 3 है, तो हमारा रो कितना है इक्वल्स टू 3। ठीक है, और हम लोग कॉलम देखेंगे, कॉलम मतलब वर्टिकल लाइन जो डाउनवर्ड होता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो कॉलम इक्वल्स टू हमारा 4। और हम लोग ऑर्डर हमेशा m क्रॉस n लिखते हैं, तो हम लोग m क्रॉस n मतलब रो को हम लोग m से भी डिनोट करते हैं और कॉलम को हम लोग n से डिनोट करते हैं। रो जो हमारा है उसको हम लोग m से डिनोट करते हैं और जो हमारा कॉलम है उसको n से डिनोट करते हैं। और हम लोग को ऑर्डर बताना है, तो ऑर्डर हमारा कितना हुआ बताइएगा, ऑर्डर कितना हुआ 3 क्रॉस 4। 3 क्रॉस 4 को हम लोग क्या बोलते हैं, 3 by 4 या 3:4, यहाँ पे लिखेंगे 3 by 4, जो हमारा मल्टीप्लीकेशन का साइन है यहाँ पे उसको हम लोग यहाँ पे by बोलते हैं। ठीक है, by जो हमारा m क्रॉस n है equals to कितना हो गया, हमारा जो m क्रॉस n है वो कितना हो गया, तो हमारा रो कितना है 3 और कॉलम कितना है 4। ठीक है, तो हम लोग m की जगह पे कितना डालेंगे 3 और कॉलम कितना है n की जगह पे कितना डालेंगे 4, और बीच में जो हमारा क्रॉस का साइन है क्रॉस का साइन देंगे, यही जो हमारा आएगा वो हमारा ऑर्डर होगा। जो हमारा मैट्रिक्स है, जैसे हमारा नाम है कुछ, आपका भी कुछ नाम, तो इस मैट्रिक्स को हम बताएंगे ना कि हर टाइप का एग्जांपल है कोई मैट्रिक्स में। अभी जस्ट आपको बताते हैं हम सेकेंड एग्जाम्पल में कि कोई और फॉर्म दिया हो, कोई और ऑर्डर का हो, कोई और मैट्रिक्स हो जो हमें जिसमें ये नहीं, मान लेते ये नहीं है और ये नहीं, मतलब जो मैट्रिक्स है उसमें ये और ये नहीं, फिर भी तो ये मैट्रिक्स ही है, सिर्फ इसका ऑर्डर चेंज हो गया। जो m क्रॉस n जो था हमारा जो ऑर्डर, वो सिर्फ ऑर्डर चेंज हो गया यहाँ पे, मतलब जो हमारा था 3 by 4 का था और जो मैट्रिक्स है हमारा वो किसी और ऑर्डर का हो गया। तो जैसे आपका भी जो नाम हो, हमारा जो नाम हो,
सबका कुछ ना कुछ नाम होता है। उसी तरह इसको डिनोट बताने के लिए कि कितना बाई कितना का मैट्रिक्स है, हम लोग यहाँ पर ऑर्डर लिखते हैं और इसको जानते हैं इसका कितना ऑर्डर होगा। तो नंबर ऑफ हम लोग सबसे पहले रो देखते हैं, तो रो हम लोग का कितना है, फर्स्ट सेकेंड दो रो है, और कॉलम कितना है, तीन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीन है। तो रो की संख्या कितनी हुई, रो जिसको हम लोग एम से डिनोट करते हैं हमारा यहाँ पे दो हो जाएगा, कॉलम जिसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं इस मैट्रिक्स के लिए, पिछले वाले के लिए, इस मैट्रिक्स के लिए हम लोग का थ्री हो जाएगा। तो इसी चीज को हम लोग देखेंगे कि हर एक मैट्रिक्स जो अलग अलग है उसके लिए हम लोग का अलग अलग ऑर्डर आता है, हो सके एलिमेंट अंदर के चेंज हो जाए लेकिन ऑर्डर यही हो। तो इस सबको हम लोग एक एक करके डील करते हैं आगे और देखते हैं। जैसे इसका ऑर्डर कितना हो गया, टू बाई थ्री, इस मैट्रिक्स का जो हमारा है ये कितना ऑर्डर हो गया, टू बाई थ्री का ये है। अब आपको कोई बोले टू बाई थ्री का एक मैट्रिक्स ड्रॉ कीजिए या फोर बाई फोर का एक मैट्रिक्स ड्रॉ कीजिए, तो अगर आपको कोई बोलता है फोर बाई फोर का मैट्रिक्स ड्रॉ कीजिए तो सीधा सा दिमाग से फोर रो होना चाहिए उसके अंदर और फोर कॉलम, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे इसके अंदर, एलिमेंट एलिमेंट करने के अंदर कि इसके अंदर कितना हम लोग नंबर डाले हुए। देखिए जितना हम लोग का क्रॉस पॉइंट होगा हमारा एक एलिमेंट होगा, तो टोटल एलिमेंट हम लोग इस तरह से काउंट कर सकते हैं कि कितना क्रॉस पॉइंट बना उतना हम लोग का एलिमेंट होगा। अगर हम लोग को पहले ही बता दिया गया कि 4 बाई 4 का ड्रॉ करना है हम लोग को मैट्रिक्स, ठीक है, जिसका ऑर्डर हम लोग का 4 बाई 4 है, 4 बाई 4 हम लोग को पता है कि ऑर्डर हम लोग कितना है 4 बाई 4 या डायरेक्ट 4 इंटू 4 मल्टीप्लाई करके अगर डायरेक्ट पूछे तो हम लोग बता सकते हैं कि इसका जो ऑर्डर है वो 16 एलिमेंट है, वो हमारा 16 एलिमेंट है। और यहाँ पे देख भी सकते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व और थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन एट लास्ट हमारा 16। हम लोग ऐसे भी यहाँ पे देख लिए कि हम लोग का टोटल एलिमेंट कितना है 16 और हर एक क्रॉस पॉइंट को हम लोग काउंट किए तो वो भी कितना है टोटल 16। इसी तरह से हम लोग ऑर्डर को देख लिया, अब आगे देखते हैं एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट हम लोग कैसे लिखते हैं। एलिमेंट अब किसी भी फिक्स चीज को बताना हो जैसे हम लोग देखते हैं इसी वीडियो में, तो अब हम लोग एलिमेंट्स को देखते हैं। एलिमेंट्स क्या है, मैट्रिक्स के अंदर जो हमारा ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर जो हमारे हर एक नंबर को लिखते हैं उसको हम एलिमेंट बोलते हैं, और हर एक एलिमेंट का अलग अलग रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है, अलग अलग तरह से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब हर एलिमेंट को पहचानने के लिए हर एक पर्टिकुलर नाम देते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग एलिमेंट्स के बारे में देखते हैं, एलिमेंट्स क्या है, ईच एंड एवरी आइटम प्रेजेंट इन ए ब्रैकेट, ब्रैकेट मतलब ये वाला जो सिंबल है, इसके अंदर जो भी हमारा एलिमेंट एटम जो भी आइटम जो प्रेजेंट होता है, जो भी चीज जो नंबर है हमारा वो इसके अंदर जो प्रेजेंट होता है उसको हम लोग एलिमेंट बोलते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारा एक हर एक अपना अपना एक एलिमेंट। अब हमको कैसे पता कि कौन सा एलिमेंट है, मतलब सब तो एलिमेंट अलग अलग हो सकता है, हमको अगर किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को पहचानना हुआ जैसे इस 2 को पहचानना होगा, ठीक है, तो हम लोग कैसे जानेंगे, तो हर सिंपल जो एलिमेंट होता है उसको हम लोग ए आई जे से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए आई जे से, ठीक है। आई हमारा क्या है, रो, जी हमारा है कॉलम, यहाँ पर भी रो और कॉलम आता है, जैसे हमारा यहाँ पर 2 लिए, ये 2 और आई मतलब रो, ठीक, कौन से रो में, फर्स्ट रो में, फर्स्ट रो हमारा सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम है ना, तो कौन से में, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये जो है हमारा इस लाइन में हम लोग कॉलम को बता रहे हैं और ये जो हमारा है इसमें हम लोग रो को बता रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो 2 है, 2 जो ये रहा, हम लोग पर्टिकुलर जो एक एलिमेंट को चूज किया है, हमारा जो एलिमेंट है वो 2 है, 2 को देखेंगे 2। अब इसका रो कितना है, कौन से रो में ये एलिमेंट प्रेजेंट है उसको हम लोग देखेंगे, तो ये हम लोग का फर्स्ट रो में प्रेजेंट है। कॉलम कौन सा, तो हम लोग कॉलम को देखेंगे कौन सा कॉलम है, तो हम लोग का सेकेंड कॉलम है, यहाँ पे देखेंगे हम लोग का सेकेंड कॉलम है फर्स्ट रो, बाय इसको डायरेक्ट लिखते हैं 1 2, ठीक है। इसी तरह का हमको कोई एक क्वेश्चन दे दे, जैसे हमको एलिमेंट फाइंड करना है, 3-4 क्वेश्चन लेकर देख लेते हैं, ए 11 और ए 12 हम लोग को फाइंड करके बताना है कि ए 11 कौन सा और ए 12 को हम लोग का कौन सा वैल्यू है,
आप लोगों को बताना है कि A11 और A12 कौन सा है। A11 11 कहते ही हमारे दिमाग में आना चाहिए कि हमारा रो भी फर्स्ट है और कॉलम भी फर्स्ट है। ऐसा हमारा कौन सा एलिमेंट है जिसका रो भी फर्स्ट हो और कॉलम भी फर्स्ट हो, तो हमारा एक ही एलिमेंट होगा, लेकिन हर जो नंबर है वो एक ही एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा इस टाइप का। अब 11 यहां भी है, 11 यहां भी है, तो एक साथ दो दो एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन बात दोनों का सेम ही है, तो वो ऐसा नहीं करेंगे हम लोग। सबसे पहले देखेंगे 11 क्या है, ठीक है। फर्स्ट रो हम लोग का ये हुआ फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, कौन सा एलिमेंट है, 1 हमारा एलिमेंट है, तो हमारा यहां पे 1 एलिमेंट हो गया। 1 इसको बोलते हैं 1, जो एलिमेंट है इस जगह पे वो कौन सा प्रेजेंट है, 1। अब 1 2 फर्स्ट में सेकंड, जो हम लोग यहां पे देखे 1 2 में कौन सा प्रेजेंट है, 2 हमारा प्रेजेंट था 2। इसी तरह का हम लास्ट जो हमारा एलिमेंट है उसका कितना क्या बताएंगे कि ये 6 के बोल लेंगे कि कहां पे प्रेजेंट है, अगर उनको बताना पड़ा कि 6 हमारा जो एलिमेंट है वो कहां पे प्रेजेंट है, तो देखेंगे कौन सा रो में है, तो सेकंड रो में हमारा, कौन सा कॉलम है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम में, सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो ए सेकंड रो थर्ड कॉलम इक्वल टू हमारा क्या 6, ठीक है। इस चीज को देखेंगे, यही हमारा एलिमेंट्स है। अब इसी तरह इसमें कुछ जो बुक में हमारा जो आप बुक फॉलो करते जाइएगा उसके अंदर क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा, अगर नहीं है तो हम आपको आगे क्वेश्चन जो क्वेश्चन होगा हमारा उसमें हम लोग आपको बता देंगे कि कहाँ पे है और कैसे कैसे इसका यूज है, ठीक है। इसको आप फटाक से नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में देखेंगे, ठीक है। टाइप ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स बहुत सारे टाइप का, डिफरेंट टाइप का मैट्रिक्स है, ठीक है। उसमें से कुछ टाइप को जिसके बारे में हम लोग सिलेबस में है, जिस जो जो हमारा सिलेबस में है उस पर हम लोग बात करते हैं। तो फर्स्ट हमारा जो है रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स कहते ही समझ में आ जाना चाहिए जिसमें सिंगल रो कोई कॉलम हो या ना हो वो अलग की बात है, लेकिन रो एक ही होनी चाहिए। रो एक मतलब एग्जांपल से देखते हैं, हम लोग एग्जांपल लेते हैं इसका। एग्जांपल में 2 5 7 8 फर्स्ट एग्जांपल हमारा हुआ, सेकंड 2 5 1 थर्ड जो हमारा एग्जांपल होगा वो देख लेते हैं हम लोग 6 2 3 एग्जांपल, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन एग्जांपल लेते हैं। तीनों एग्जांपल में देखिएगा कि एक चीज कॉमन है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही रो, रो जो हमारा है एक ही है, इसमें भी रो हमारा एक ही है और इसमें भी हमारा रो एक ही है, रो एक ही है लेकिन कॉलम डिफरेंट हो सकते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 इसमें 4 कॉलम है, इसमें 1 2 3 3 कॉलम, इसके अंदर 1 2 सिर्फ 2 ही कॉलम, 1 का भी आ सकता है 1 by 1, लेकिन उसका एक अलग नाम लेते हैं, उसको हम लोग आगे देखेंगे। और इसका हम लोग ऑर्डर देखते हैं, इसका ऑर्डर क्या है, इस जो रो मैट्रिक्स है, ये रो मैट्रिक्स का एग्जांपल है, इसका ऑर्डर कितना है, तो ऑर्डर तो हमारा फिक्स हो चुका है कि रो एक होना चाहिए, तो रो को हम लोग एम से डिनोट करते हैं, एम हमारा पहले आता है, तो सभी में 1 तो फिक्स ही रहेगा, 1 by जितना को जितना का ये मैट्रिक्स हो हमारा, जैसे इसमें अंदर 4 कॉलम है तो लोग 4 लिख देंगे, 4 लिख देंगे यहाँ पे, तो 1 by 4 का हम लोग का ये मैट्रिक्स है, ये हम लोग का 1 by 3 का है क्योंकि इसके अंदर 3 कॉलम है, और ये 1 by 2 का है क्योंकि इसके अंदर हम लोग का 2 कॉलम है। तो ऐसे हम लोग का सिलेबस में 3 तक ही है, लेकिन शायद कहीं 4 तक आ जाए, इसलिए हम लोग 4 को भी लेकर चल लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कॉलम, कॉलम सेम इसी का अपोजिट है, थोड़ा सा बस इसमें रो एक होना चाहिए, इसमें सिर्फ कॉलम एक होना चाहिए, और कुछ नहीं। इसका एग्जाम्पल से इसका भी देखते हैं हम लोग, यहाँ हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे, जैसे 2-3 एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट जो हमारा है 8 7 6 2, ठीक है। सेकेंड जो हमारा एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल हुआ, उनका सेकेंड एग्जाम्पल जो होगा वो लेते हैं 3 2 5। जो हमारा थर्ड एग्जाम्पल है, थर्ड एग्जाम्पल उसको हम लोग ले लेते हैं 8 1। इसमें आप एक चीज कॉमन देख रहे होगा कि सभी में हमारा जो कॉलम है, कॉलम सेम है, एक ही कॉलम है, देखिए तीनों एग्जाम्पल में हमारा कॉलम जो है एक ही है। तो हम लोग अब बात करेंगे कि देखिए इसमें फर्स्ट में हम लोग का क्या होता है, m by n, तो हम लोग का n किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, कॉलम का, जो हम लोग का वर्टिकल लाइन है, तो वर्टिकल लाइन में हम लोग का हमेशा रो कुछ भी हो, जैसे इसमें 4 है, इसमें 3 है और इसमें हमारा 2 है,
लेकिन कॉलम सभी में हमारा फिक्स है जो वन ही है, जिसमें जिस तरह इसमें हमारा रो फिक्स था उसी तरह इसमें हमारा कॉलम फिक्स होगा, ठीक है। तो कॉलम वन है और वन है, ये जो हुआ दो, ये मैट्रिक्स के टाइप